बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस हफ्ते पोर्ट सिस्टम की क्या सूरत हाल रहेगी कराची एम्बेसी में। सऊदी कौंसलेट कराची के अंदर 50 पासपोर्ट पर ड्रॉपबॉक्स का कोटा है, और पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो लोगों के जो है ना अंडर वर्किंग आ रहे थे वीज़े, लेकिन स्टैम्प नहीं हो रहे थे। इस हफ्ते की बात करें, आप मेरी पिछली वीडियो में जाके कमेंट्स भी देख सकते हैं लोगों के। इस हफ्ते जाके यानी कि वीज़ा प्रोसेसिंग में और वीज़ा स्टैंपिंग में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है, लोगों के वीज़े स्टैंप भी हो रहे हैं। एक दोस्त का आज कमेंट आया हुआ था, उनका वीज़ा उनकी फर्स्ट डेट भी आज चेंज हुई है और उनका वीज़ा स्टैम्प भी हो गया। इसके अलावा उस दोस्त का जो है ना पास, वो जो मेडिकल था वो भी एक्सपायर्ड था, ठीक है। मे बी उन्होंने खांचे पे लगवाया, तो खांचा मेडिकल का मेरे ख्याल से चल रहा है। बाकी अकदे अमल जो है वो ओरिजिनल आपको मंगवाना पड़ता है सऊदी अरब से, फिजिकली ओरिजिनल अकदे अमल मंगवाना पड़ता है, उसके बाद वो सबमिट होता है, फिर जाके आपका डॉक्यूमेंट्स जो है ना एम्बेसी के अंदर सबमिट होते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे कि फैमिली विजिट वीज़ा जो है उसका भी इतना ज़्यादा डिले हो सकता है या उसका प्रोसेस फास्ट होता है। देखें, चाहे फैमिली विजिट वीज़ा है चाहे वर्क वीज़ा है, आपके वीज़ा का प्रोसेस तो एम्बेसी नहीं करना है ना, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी जमा होंगे तो एम्बेसी के अंदर वो ठीक है, आपका अकदे अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी जो प्रोसेस है वो तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स एजेंसी वाले को सबमिट करवाते हैं। सबमिट करवाने के बाद आपका एजेंसी वाला एम्बेसी को सबमिट करवा देता है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि उसके जो ड्रॉप बॉक्स वाले उसके कॉन्टैक्ट में हैं वो किस दिन कितनी देर के बाद एम्बेसी में उसके डॉक्यूमेंट्स जाके सबमिट करवाते हैं, ठीक है। हाँ, ये मैं बता देता हूँ कि जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी के अंदर सबमिट हो जाते हैं उसी दिन या अंडर वर्किंग आ जाता है या उससे नेक्स्ट डे अंडर वर्किंग आ जाता है मोस्ट प्रोबेबली, और तकरीबन आपका जो वीज़ा है वो उससे अगले दिन या उस दिन स्टैम्प भी हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर बात करें कि मोस्टली दोस्तों के ये कमेंट होते हैं कि हमारा वीज़ा स्टैम्प हो गया तो हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस कब तक आएंगे, तो तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके एजेंसी वाले को मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है, अगर आपका वीज़ा स्टैम्प हो चुका है आप जाएं एजेंसी वाले के पास, एजेंसी वाले से कहें कि भाई हमें पेपर दें, अकदे उसका फिंगरप्रिंट का जो प्रोटेक्टर का, वो एक पेपर आपको बना के देगा, और जस्ट वो खाली पेपर आपने लेके जाना है, उसके साथ कोई आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईडी कार्ड और पासपोर्ट तो आपका एम्बेसी में जमा होता है। तो ये जो वो आपको एक पेपर देगा प्रोटेक्टर का, वो आपने लेके जाना है प्रोटेक्टर ऑफिस, और वो आपको आप फिंगरप्रिंट लगवाएंगे, ठीक है। जब आपके फिंगरप्रिंट लग जाएंगे तो वो साइन करके देंगे उस पेपर पे, तो वो पेपर आपने वापस आके अपने एजेंसी वाले को सबमिट करवा देना है। उसके बाद जो ही आपके डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट वगैरह एम्बेसी से वापस आएंगे एजेंसी वाले के पास, तो आपका एजेंसी वाला एक स्टिकर प्रोटेक्टर का जो ओरिजिनल स्टिकर होता है वो आपके पासपोर्ट पे लगवा के आपको आपका पासपोर्ट रिटर्न कर देगा। ये गलती ना करिएगा कि जब तक आपका पासपोर्ट आपके हाथ में ना आए तब तक आपने टिकट नहीं करवानी। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं 20-25 दिन तक उनके पासपोर्ट वापस नहीं आए, तो दोस्तों की टिकट्स कैंसिल हुई, उनको काफ़ी लॉस हुआ। इसलिए जब आपका पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाए प्रोटेक्टर होकर, फिर आपने टिकट करवानी है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है आप इनसे कमेंट सेक्शन में पूछ